कोलकाता की घटना के खिलाफ मुंगेर में विरोध प्रदर्शन। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर गैर राजनीतिक संगठनों ने उठाई आवाज। सभी संगठनों के तत्वाधान में निकाला गया कैंडल मार्च और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल कोलकाता में हुए निंदनीय घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह न केवल एक बलात्कार की घटना है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत की एक क्रूर दास्तां भी है। इस घटना ने हर संवेदनशील व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज मुंगेर के राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों ने डॉक्टरों के समर्थन में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी संगठनों ने आज कैंडल मार्च निकाला और इस घटना पर पुरजोर विरोध जताया। सभी उपस्थित संगठनों ने एक सुर में इस घिनौनी घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दिया गया कि जब तक ऐसे हवानों को सजा नहीं मिलेगी तब तक समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मुंगेर के नागरिकों ने एकजुटता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आइए छोटू भैया, एक आम उधर चाहिए, हाँ लीजिए ना, कुछ को दे। अरे ये आज जो कोलकाता में हॉस्पिटल में जो हमारे महिला डॉक्टर नाम नहीं लेना महिला डॉक्टर के साथ उनकी हत्या की गई और बलात्कार हुआ है, उसी के विरोध में आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में और खास करके मुंगेर में इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुंगेर की सारी संस्थाएं हैं, लायंस क्लब ऑफ मुंगेर सिटी है, लायंस क्लब ऑफ बामा है, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हैं, आईएमए के सेक्रेटरी हैं, सदस्य हैं, मुंगेर क्लब के सेक्रेटरी हैं, कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभंकर झा हुआ। क्या है? मैं पूर्व प्रेसिडेंट हूँ लायंस क्लब ऑफ मुंगेर सिटी का।